हेलो एवरीवन आई एम राहुल कुमार प्रजापति एंड यू आर वाचिंग एसएसटी पैराडाइज अचीवर्स आज मैं आप लोगों को नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में बताऊंगा सन उन्नीस ईस्वी में भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता की जांच के लिए शाइमन कमीशन भारत आता है विरकन हेड जो कि भारत के सचिव थे उन्होंने कहा था कि भारतीयों में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं हो पाई है कि वे अपने लिए संविधान का निर्माण कर सके इसको मोतीलाल नेहरू ने एक चुनौती के रूप में लिया और एम आर जयकर तेज बहादुर सप्रू एम एन जोशी हसन इमाम के साथ मिलकर एक मसौदा तैयार करते हैं इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहते हैं इसमें देखिए क्या क्या बातें की गई थी इसमें पहली बात की गई थी डोमेनियन स्टेट की बात की गई थी दूसरी बात अंग्रेज़ों के संघीय या एक तंत्रीय शासन प्रणाली के अधीन रहने की बात की गई थी तीसरी बात सिंध या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्रथम पृथक यानी अलग मुसलमान राज्य का निर्माण किया जाएगा अगली बात थी वयस्क मताधिकार की पांचवी बात थी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात की गई थी छठवीं बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार बरकरार रहेगा सातवीं बात थी प्रांतों का आद, गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा इस पर कुछ राष्ट्रवादी इसका इनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसमें मुस्लिमों को अधिक अधिकार दिया जा रहा है नेहरू रिपोर्ट के कारण उन्नीस ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस की नीतियों से अलग होकर मोहम्मद सैफी तथा आंगा खा की नीतियों पर चलते हुए नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी चौदह सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इसके तहत मुसलमानों को मंत्रिपरिषद में एक एक तिहाई सदस्यता प्रदान किया जाए दूसरी बात की गई मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार बरकरार रहेगा तीसरी बात मुस्लिम लीग को संरक्षण प्रदान किया जाएगा चौथी बात प्रथम मुस्लिम राज्य का निर्माण किया जाए पांचवी बात थी मुसलमानों की शिक्षा पर बल दिया जाए इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है